अब हमने 3 पे 4 को जब कंस्ट्रक्ट करना है तो हमने डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर कितना है 4। अब हमें ये भी पता है कि वो 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा, तो हमने क्या करना है 0 के बाद 4 इक्वल लाइंस लगानी है, ठीक है। उसको 4 इक्वल 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 डिनोमिनेटर थे इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 4 लाइंस ड्रा करी। जो फोर्थ वन है उसको हमने क्या कह दिया, 1, ठीक है। 0 और 1 इनके दरमियान हमारे पास 3 लाइंस आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, ये हो जाएगा 2/4, और थर्ड लाइन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 3/4, ठीक है, देखना आप लोग, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको कंस्ट्रक्ट करना। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वो नंबर जिसका हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर्स को, तो इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, जब आप डिवाइड करेंगे जैसे, ठीक है, 4 3 3 वन टाइम्स 3 वन बच जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 1 होल 1/3 ये आ गया। अब इसमें से ये जो होल नंबर है इससे पता चलेगा कि ये किसके दरमियान लाया करेगा, 1 और इससे नेक्स्ट नंबर 2 के दरमियान, यानी कि ये जो 4/3 है ये 1 और 2 के दरमियान लाया करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर क्या था, 4, और डिनोमिनेटर क्या था, 3। तो हमने डिनोमिनेटर को देखना है तो हमने कितनी लाइंस लगानी होंगी, 3 1 2 3, थर्ड लाइन को हमने क्या देना है, 2, ये 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास, तो चलें इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास -5/2। अब देखिए इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, तो हमने सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। जब हमने इसको डिवाइड किया, मिक्स फ्रैक्शन में किया, तो हमारे पास क्या आ गया, -2 1/2, ठीक है। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो नंबर है वो हमारे पास -2 और इससे नेक्स्ट नंबर यानी कि -3 के दरमियान लाई करेगा, ठीक है। चलिए तो इसको ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास एक नंबर लाइन आ गई जिसमें 0 1 2 3 वन साइड पे और -1 और -2 तक ड्रॉ करना है पहले आपने, ठीक है, वो हमारे पास दूसरी साइड पे। अब -2 के बाद इसमें देखना, इस -2 को तो नहीं देखना, ये -2 तो हमें ये बता रहा है कि इस -2 के बाद, ठीक है। अब इसको देखना है 1/2, तो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2, तो हमने इसको कितने पार्ट्स में करना है, 2 पार्ट्स में, 1 और यहाँ से फिर 2, और जो सेकेंड पार्ट होगा उसको हमने नाम दे देना है -3, और जो दरमियान में रह गया वो क्या हमारे पास आ जाएगा, -5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2/3। अब इसका डिनोमिनेटर